हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट में यूनिट 8 पार्ट 1 अ लिटल टर्टल। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको वर्कबुक लेके बैठना है। आई होप अपने आप वर्कबुक लेके बैठे होगी। तो यूनिट 8 जो टेक्स्ट बुक में मैंने आपको करवा दिया, अब वर्कबुक में आपको करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 121 ओपन करो। 121 यूनिट 8 अ लिटल टर्टल, एक छोटा कछुआ। इसकी बात की टर्टल और टर्टोइस दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है वो भी मैंने आपको सिखा दिया था। तो स्टार्ट करते हैं। लुक लिसन एंड रिपीट। टर्टल क्रोल स्लो कैरी हाउस वेरेवर टायर पट पुट हेड लेग्स टेल बेड। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है, जिसके सामने सही आंसर है उसके सामने जो अल्फ़ाबेट है ए बी सी और डी, उनमें से जो भी अल्फ़ाबेट आता है वो आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। तो स्टार्ट कर दें। फर्स्ट नंबर पर अ टर्टल ब्लैंक। टर्टल क्या करता है, मतलब रेंगता है, चलता है, जंप करता है, रनिंग करता है। तो ए वॉक्स, बी क्रॉल्स, सी होप्स, डी रन। तो कछुआ क्या करता है, रेंगता है। तो फर्स्ट नंबर पर आएगा और टर्टल ब्लैंक, तो ब्लैंक में आएगा क्रॉल्स, तो वहाँ पर आएगा बी ऑप्शन बी, एक कछुआ है वो रेंगता है। फर्स्ट नंबर पर आएगा ऑप्शन है बी। सेकंड नंबर पर हाउ डज अ टर्टल क्रॉल। टर्टल कैसे रेंगता है, तो आपको पता होगा कि टर्टल कैसे रेंगता है, स्लो 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 रेंगता है। तो ऑप्शन है ए लिटल, बी स्मॉल, सी स्लो, डी फास्ट। तो क्या आएगा ऑप्शन सी। थर्ड नंबर पर आप देख सकते हो व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक। टर्टल ने अपने बैक अपनी पीठ पर क्या लेके चला, क्या लेके चल रहा था, तो उसका क्या लेके चल रहा था, तो उसका हाउस उसका घर लेके वो चल रहा था। तो ए ऑप्शन ए है बेबी, बी है टेल, सी फूड, डी हाउस। तो क्या लेके चल रहा था अपनी पीठ पर, तो उसका घर उसका हाउस, तो वहां पर आएगा ऑप्शन डी हाउस। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आप देख सकते हो What is a turtle's house called? टर्टल के घर को हम उसको क्या कहा जाता है, टर्टल सॉरी टर्टल के कछुए को घर को क्या कहा जाता है, तो कछुए को घर को क्या कहा जाता है, सेल खोल। क्या कहा जाता है, खोल। सेल बी टेल, सी रूप, डी हेड। क्या कहा जाता है, सेल। तो ऑप्शन आएगा
सर ऑप्शन ए। फिफ्थ नंबर पर आप देख सकते हो, वेयर डज द टर्टल गो व्हेन ईट्स इट इज टायर्ड। टर्टल जब थक जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है, तो उसकी जो खोल है, उसका जो घर है, उसमें चला जाता है। तो ऑप्शन ए है इन अ के, बी इन इट्स सेल, सी इन अ होल, डी इन द वॉटर। तो टर्टल जब रेखते रेखते चलता है और थक जाता है, तब टर्टल कहाँ जाता है, तो टर्टल जो उसकी खोल है, उसका जो सेल है, उसमें चला जाता है। तो वहाँ पर आएगा ऑप्शन बी इन इट सेल। ऑप्शन आएगा बी। तो ऑप्शन फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के ऑप्शन आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टर्नियर पेज नंबर 122। लुक लिसन एंड रिपीट। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए गए वो सारे के सारे राइमिक्स वर्ड है। ब्राउल क्राउल स्प्रेल कैरी चेरी मेरी फ्लो ग्लो स्लो, वो सारे के सारे वर्ड्स राइमिंग। यहाँ पर कलरिंग में सारे वर्ड्स दिए, जो आधे कलरिंग में अल्फाबेट दिए और आधे ब्लैक में दिए, जो जो रेड कलर के, जैसे कि फ्लो ग्लो और स्लो। यहाँ पर एल ओ डब्ल्यू, तो बीच में भी एल ओ डब्ल्यू और थर्ड में भी एल ओ डब्ल्यू, वो सारे के सारे राइमिंग वर्ड है। तो उसकी मदद से आपको उसके नीचे जो ओड वर्ड है वो आपको ढूंढ के उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो यहाँ पर भी आधे राइमिंग वर्ड्स कि जो अल्फाबेट आगे के अल्फाबेट सेम हो गए और आधे के पीछे हो गए, उसकी मदद से आपको वन से लेके फिफ्थ तक के अंदर से आपको ओड वर्ड ढूंढना है। तो आप फर्स्ट देख सकते हो, तो उनमें से कौन सा वर्ड है, जो कौन सा ओड वर्ड है, तो आप देख के भी उसके ऊपर सर्कल कर सकते हो। तो फर्स्ट में देख सकते हो आप क्यू क्यू क्यून और केक। तो उनमें से देखो, वहाँ पर क्यू ई क्यू ई, फर्स्ट में भी क्यू ई है, सेकंड में भी क्यू ई है और थर्ड में भी क्यू ई है। वो तीनों राइमिंग वर्ड्स है और सबसे अलग है ओड वर्ड, डिफरेंट जो वर्ड है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये दो अलग कलरिंग में, ये दो अलग कलर में और यहाँ पर सबसे अलग। तो ये वन टू और थ्री, तीनों के तीनों क्या हुए, राइमिंग वर्ड हुए हमारे। और जो केक है वो सबसे अलग है, वो डिफरेंट है, ओड है। तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, सर्कल। वैसे ही सेकंड नंबर का भी आप देख सकते हो,
आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2 और 3, वो तीनों के तीनों कौन से वर्ड है, वो तीनों के तीनों राइमिंग वर्ड्स है, वो तीनों के तीनों राइमिंग वर्ड है। तो उसमें से आपको ओड वर्ड ढूंढना है। आप देख सकते हो, आपको पता चल गया होगा कि ये सबसे अलग है, सबसे ओड है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, सर्कल। वैसे उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हो आप, थर्ड नंबर पर कीप, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से तीन वर्ड है, वर्ड्स है, वो राइमिंग वर्ड्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ये है, ये क्या है, क्या है, ये 1, 2 और 3, वो तीनों के तीनों राइमिंग वर्ड है। और जो ये कीफ है वो सबसे अलग है, सबसे ओल्ड है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, सर्कल। वैसे आप फोर्थ नंबर पर देख सकते हो हाउस, ब्लाउज, ग्लो और माउस। उसमें से जो ग्लो है वो ओड वर्ड है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, सर्कल। उसके बाद फिफ्थ नंबर, वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। जो सही आंसर है उसके सामने जो अल्फाबेट आते हैं वो आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हो आई लाइक टू ईट ब्लैंक एंड बटर। तो ऑप्शन है ए ब्रेड, बी हेड, सी ड्रेड या डी ट्रेड। जो नीचे दिए गए वो सारे के सारे कौन से वर्ड है, राइमिंग वर्ड्स है। जो ऑप्शन दिए गए वो राइमिंग वर्ड है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई लाइक टू ईट ब्रेड एंड बटर, मुझे ब्रेड और बटर खाना पसंद है। तो वहाँ पर आएगा ऑप्शन ए ब्रेड। ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट उसके नीचे देख सकते हो आप, द किंग कॉल्ड हिज ब्लैंक ए कुक, बी क्यून, सी क्यूक और डी क्यून। तो वहां पर आएगा राजा ने अपनी किसको बोला, राजा ने किसको बोला, तो राजा ने अपनी रानी को बोला, तो वहां पर आएगा बी क्यून। थर्ड नंबर पर आप देख सकते हो टॉम विल ब्लैंक द बॉल। टॉम ने बॉल पर क्या मारा, तो किक मारी, एक किक मारी। तो वहाँ पर आएगा ए किल, बी किड, सी किंग या डी किक। तो वहाँ पर आएगा किक, ऑप्शन आएगा डी। फोर्थ नंबर पर आप देख सकते हो अ बेबी ब्लैंक, जो छोटा सा बच्चा है वो क्या करता है, रेंगता है, क्रोल करता है। तो वहां पर आएगा ए स्पैरोल, बी क्रोल्स, सी ब्रोल्स या टी डी ट्रोल्स। तो वहां पर आएगा क्रोल्स। ऑप्शन है बी। उसके बाद
फिफ्थ नंबर पर आप देख सकते हो, टीना पुट द कैप ऑन हर प्लेट। ए आएगा ब्रेड, बी आएगा ट्रेड, सी आएगा लीड और डी आएगा हेड। तो टीना ने जो अपनी कैप है वो उसने कहाँ पर लगा दी, उसके सिर पर, उसके माथे पर, तो वहाँ पर आएगा हेड। फिफ्थ नंबर पर आएगा हेड, ऑप्शन कौन सा है, डी, ऑप्शन है डी। नेक्स्ट टर्न योर पेज, पेज नंबर 123। द कैट रन आफ्टर द ब्लैंक, बिल्ली किसके पीछे भागती है, तो ए हाउस, बी स्पाउस, सी माउस या ब्ली डी ब्लाउस। किसके पीछे भागती है, माउस, एक चूहे के पीछे भागती है, ऑप्शन है सी। राज प्लेड अ लॉट, ही इज ब्लैंक, राज बहुत खेलता है, ही क्या हो जाता है, खेलने के बाद वो क्या हो जाता है, थक जाता है, तो ही, तो वहां पर आएगा टायर। ऑप्शन है डी। एट नंबर पर आप देख सकते हो, राम विल ब्लैंक द बैग ऑन हिज हेड। तो राम जो है बैग अपने सिर पर लेकर चलता है, कैरी। ए आएगा कैरी, बी आएगा चेरी, सी आएगा मेरी और डी आएगा तेरी, तो वहां पर आएगा ऑप्शन ए। राम विल कैरी द बैग ऑन हिज हेड, राम है अपने सिर पर बैग लेकर चलता है। तो ये फर्स्ट से लेकर एट तक के ऑप्शन लिख सकते हो आप। इसके बाद नेक्स्ट नीचे देख सकते हो, लुक एट द सिंपल पिक्चर एंड कलर द टर्टल। आपको पिक्चर देखना है, आपको सिंपल पिक्चर ड्रॉ करके दिया है, उसके अंदर आपको कलर ड्रॉ करने हैं, कलर पूरने हैं। आपको ऊपर छोटा सा टर्टल दिया है और नीचे बड़ा सा दिया है, उसके हिसाब से भी आप कलर जो है वो पूछ सकते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे आगे का जो लेसन है, द टाइगर एंड द मॉस्किटो। तो उसके जो एक्सरसाइज है, जो आगे का आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे। आपको वर्कबुक ही लेके बैठना है। थैंक यू स्टूडेंट।